आज हम लोग कक्षा सिक्स पार्ट चार चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता को आज पढ़ेंगे। इसमें इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन्होंने एक 10-11 साल की एक लड़की की कल्पना को प्रकट करते हुए पूर्णिमा के गोल मटोल चांद के बारे में तरह तरह की सुंदर मोहक बातें कही है। इसमें हम लोग कविता को पहले पढ़ेंगे। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। तो इसमें कवि कहते हैं कि लड़की कहती है कि आप बिल्कुल गोल मटोल हैं मगर जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब एक लड़की पूर्णिमा के चांद को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए उसे संबोधित करती है, कह रही है कि आप बिल्कुल गोल मटोल हैं मगर जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने टिमटिमाते तारों से जड़ा हुआ सारा आकाश ही वस्त्र के रूप में पहन रखे हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। वह फिर सोचते हुए कहती है कि आपका सारा शरीर तो आकाश रूपी वस्त्रों में पूरी तरह छिपा हुआ है, या गोल मटोल गोरा चिट्ठा तो आपका खुला मुंह है, आप अपनी पोशाक को अपने चारों ओर सभी दिशाओं में फैलाए हुए हैं, है ना? समझ में आया?